क्लास 7th मैथ चैप्टर आपका है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सेकंड क्लास है आज इस चैप्टर की। तो लॉज ऑफ, इसमें सेकंड क्लास में हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस, जैसे कि दो नंबर है 3 to the power 5, डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 to the power 2 से, मींस बेस दोनों के बेस 3 और 3 सेम है, तो मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, ऐसी पावर्स को जिनके बेस सेम हो उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 3 to the power 5 यानी 3 5 times, फिर मल्टीप्लाई 3 to the power 2 3 2 times, टोटल कितने हो जाएंगे 7 times यानी 3 to the power 7, सेम वैल्यू है। तो लॉ का क्या समझ में आया कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 2 to the power 5, 5 plus 3 8, 2 to the power 8 -3 upon 4 to the power 2 मल्टीप्लाई -3 upon 4 to the power 3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। यहाँ n की पावर 1 है, n टू दी पावर 3 है, n टू दी पावर 5 है, तो 5 plus 3 8 और 1 9, n टू दी पावर 9 हो जाएगा। माइनस साइन अलग रखो, x to the power 5 इंटू x to the power 3, 5 and 3 8, तो -x to the power 8 हो जाएगा। -x to the power 5 मीन्स नेगेटिव ऑफ x to the 5, नोट द फिफ्थ पावर ऑफ -x, -x ब्रैकेट में नहीं है, सिर्फ x की पावर 5 है, माइनस अलग से है, तो माइनस अलग से -1 आप लिख सकते हो, ये और -x to the power 5 ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। अब देखो हमने क्या किया, 3 to the power 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 to the power 7, तो हमने क्या किया, बेस अगर सेम है तो उसे एक बार लिख लिया और पावर को ऐड कर दिया, सीधा सीधा आंसर आ गया 3 to the power 12। इन जनरल लेट एक्स बी द रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर, एम एंड एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एक्स टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर एन इक्वल टू हो जाएगा, बेस सेम है तो एक बार लिख लो और पावर को मल्टीप्लाई है तो पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई है तो पावर को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सिंप्लीफाई नहीं करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, 8 and 8 बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 5 plus 9 14, 8 to the power 14 हो जाएगा। यहां भी बेस सेम है 5 5 5, पहले में पावर 3 है फिर मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 4 है, मल्टीप्लाई पावर 10 है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 plus 4 7 7 plus 10 17, तो आंसर हो जाएगा 5 to the power 17। थर्ड, -2 to the power 4 -2 to the power 11, तो 11 plus 4 15, -2 to the power 4 plus 11 15। -7 -7 -7 बेस सेम है, पावर 2 12 और 6 ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 20, -7 to the power 20 आपका आंसर है, बहुत सिंपल है। एक्सप्रेस रिजल्ट इन द पावर नोटेशन, सिंप्लीफाई करना और रिजल्ट को पावर के फॉर्म में करना, दोनों बेस यहां भी सेम है, 3 by 5 3 by 5 पावर ऐड हो जाएंगी, 8 plus 5 13, तो 3 by 5 power 13। सेकंड, 7 by 3 7 by 3 7 by 3, 5 plus 6 11 11 plus 20 31, तो आंसर हो जाएगा 5 plus 6 plus 20 यानी 31, 7 by 3 to the power 31। अब फाइंडिंग द पावर ऑफ पावर, अगर पावर पे भी पावर है तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे, देखना नेक्स्ट। पावर ऑफ पावर एग्जाम्पल से देखते हैं, 2 to the power 5 to the power 3 मीन्स 3 इज द पावर ऑफ 2 to the power 5, 2 to the power 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 to the power 5 to the power 5 to the power 5, मल्टीप्लाई या बेस सेम है तो 5 plus 5 plus 5 15, 2 to the power 15। डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर पावर की भी पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, सीधा आंसर आ जाएगा। इन जनरल एक्स कोई नंबर है, रैशनल नंबर, एम और एन पावर है, पॉजिटिव इंटीजर एम, और इसकी भी पावर है एन, तो दोनों मल्टीप्लाई एम एन हो जाएगा,
मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल से देखो, नीचे 3 to the power 2 to the power 4, तो दोनों 2 into 4 हो जाएगा, 4 to the 8। 5 to the power 3 to the power 8, तो 3 into 8 24। सिंप्लीफाई एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। 2/3 बेस है, फर्स्ट पावर 4 है और इसकी भी पावर है 2, तो 4 to the 8 आपका आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा 8। बेस सेम यही रहेगा, 2/3 to the power 8। -3/4 है, पावर 3 है फिर पावर 4 है, तो पावर हो जाएगी 4 3 is 12, 3/4 -3/4 power 12। एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद अ सिंगल एक्सपोनेंट, दोनों को सिंगल एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, देखना। 2 to the power 3 to the power 5, तो इसको कैसे करेंगे, 5 3 is 15 to the power 15, इसको 7 2 is 14 to the power 14, फिर मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, 15 + 14 कर देंगे 29, ये आंसर आ गया। -3/5 है, -3/5 है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 4 = 6, तो आ जाएगा -3/5 power 6, और उस पूरे के ऊपर 3 है, पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा के 3 है, तो 6 3 is 18, तो आंसर आएगा -3/5 to the power 18। यहां कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहां यूज किया a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगी, इसमें भी बेस सेम पावर ऐड होगी। सेकंड यहां इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यहां पे ये फॉर्मूला गलत लगा लिखा हुआ है बेटा, यहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं किया है, ये गलत है, यहां पे फर्स्ट इसमें फॉर्मूला यूज किया हुआ a की पावर m पावर n यानी a पावर m इंटू n, ये फॉर्मूला यूज किया हुआ, ये देखो 3 into 5 = 15, 7 into 2 = 14, यहां पे प्लस किया हुआ तो इन दोनों को प्लस कर दिया, ये यहां पे पहले अंदर प्लस किया हुआ पावर को मल्टीप्लाई है, पावर अलग अलग बेस सेम है तो ये प्लस कर दिया, और फिर यहां मल्टीप्लाई यानी ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप इस तरह से स्टेप्स के साथ साथ ये आइडेंटिटी लिखोगे तो इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप इन्हें भूलोगे नहीं, ठीक है। फाइंडिंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर, टू इंटू थ्री पावर फोर मीन्स 2 into 3 4 times लिखेंगे, 2 into 3 2 into 3 2 into 3 2 into 3, सेपरेट कर लो 2 को अलग 3 को अलग, तो 2 भी 4 times 3 भी 4 times, मीन्स 2 to the power 4 3 to the power 4, मीनिंग क्या हुआ कि अगर ब्रैकेट में दो चीजें मल्टीप्लाई है उनके ऊपर सेम पावर हो तो दोनों पे लगेगी, x पे भी और y पे भी, x y पावर 3 तो x पावर 3 y पावर 3, -2/3 power 6 तो ये 6 ऊपर 2 पे भी लगेगी नीचे 3 पे भी लगेगी, तो अच्छा माइनस है तो -1 को अलग भी आप कर सकते हो, -2/3 है तो -1 -1 -1 -1 -1 अलग हो गया, 2/3 2/3 अलग हो गया, -1 to the power 6 और 2/3 power 6, -1 की पावर अगर इवन है तो 1 हो जाएगा, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, आप खुद सोच सकते हो, माइनस पावर में अगर इवन है तो आंसर में पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस अंदर है पावर में ओड है तो आंसर में माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि इवन जो माइनस है वो आपस में कैंसिल आउट करके प्लस हो जाते हैं, अगर ओड माइनस के साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ही माइनस आंसर में आएगा। आइडेंटिटी क्या है, एक्स इंटू वाई होल टू द पावर एम मीन्स एक्स टू द पावर एम इंटू वाई टू द पावर एम, ये रेसिप्रोकल है, कौन सी आइडेंटिटी का, ये उस आइडेंटिटी का रेसिप्रोकल है जिसमें एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर एक्स की पावर बी था, तो हमने लिख दिया था एक्स पावर ए प्लस बी, इसी तरह से सेपरेट कर दिया हमने, पावर सेम है तो उसको अंदर दोनों में क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, एक्स पावर एम वाई पावर एम। टू फाइंड द पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर, फाइंड पावर ऑफ ईच फैक्टर एंड देन मल्टीप्लाई, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, 5 into 3 power 4 तो सेपरेट हो जाएगा, 5 to the power 4 3 to the power 4, ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है,
सेवन टू द पावर थ्री, ए टू द पावर थ्री सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वन पावर अलग हो जाएगी, नाइन पावर अलग हो जाएगी और एक्स की पावर अलग हो जाएगी। और माइनस है, पावर इवन है, तो माइनस तो गायब भी हो जाएगा। नाइन टू द पावर फोर एक्स टू द पावर फोर ये आंसर आ जाएगा। माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस की पावर क्या है? इवन है। इवन है तो माइनस वन की पावर फोर वन हो जाएगा। 5 इंटू टू दी टू टू दी पावर थ्री होल पावर टू, तो ये 2 जो बाहर वाली पावर है ये 5 पे भी लगेगी और ये 2 दी टू दी पावर थ्री पे भी लग जाएगी। तो 5 पे जब ये इसने कहा सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करो, तो 5 पे लग गई और अंदर 2 दी पावर थ्री पे भी ये 2 लग गया है। 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, तो 3 टू जा 6, 2 पावर 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम यानी 64, 25 इंटू 64 1600। सिंप्लीफाई पूरा आंसर निकालना है, सिंप्लीफाई लिखा हुआ है। 24 अपॉन 11 पावर 3, 11 अपॉन 8 पावर 3। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे मैं करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास 24 अपॉन 11 पावर 3 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 8 पावर 3। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर को बाहर ले लेंगे जैसे अभी ऊपर वाले में हमने किया था। तो 24 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 8 पावर 3 एक साथ ले लिया हमने। 11 से 11 कैंसिल, 8 वन जा 8 3 जा, तो अंदर बचता सिर्फ 3 और पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आपके पास आंसर बच जाता है। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, 24 अपॉन 11 पावर 3 है, 11 अपॉन 8 पावर 3 है, पावर सेम है, तो बेस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर को एक बार लिख देंगे। अंदर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। किसी सेम नंबर से कैंसिल होते हैं तो उससे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर सारे सोल्व होकर 3 आ गया, 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5x टू द पावर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x टू द पावर 3 व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5। तो क्वेश्चन है 5x पावर 3, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू रख देते हैं माइनस 2 बाय 5 और पावर लगाते थे 3, 5 से कैंसिल 5 माइनस 2 द पावर 3, माइनस की पावर ओड है तो माइनस एज इट इज रहेगा। 2 टू द पावर 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ये आपका आंसर आ गया माइनस 8। इसी तरह से नेक्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, एक साथ लिखा मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 4 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 3 बाय 5, बी की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 और पावर 4। पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल, 2 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3 अपॉन 5 पावर 4। इसका मीनिंग क्या है? 3 बाय 5 मल्टीप्लाई 3 बाय 5 मल्टीप्लाई 3 बाय 5 मल्टीप्लाई 3 बाय 5, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 5 5 जा 25, 125 एंड 625, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा, फाइंड द कोशेंट ऑफ द पावर ऑफ सेम नंबर, मतलब अगर सेम नंबर की पावर और डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा? 5 पावर 7, 5 पावर 4, तो ऊपर 5 7 टाइम, नीचे 4 टाइम, 4 टाइम 4 टाइम से कैंसिल, 5 कितने टाइम बच जाएगा? 3 टाइम बच जाएगा। तो एक तरह से हम क्या कर देंगे इसमें? माइनस कर देंगे। क्या याद रखेंगे? माइनस याद रखेंगे। अगर ऊपर कम पावर है नीचे ज्यादा पावर है, तो ऊपर 4 से नीचे 4 कैंसिल, नीचे 3 पावर बचती है, 7 माइनस 4 3, तो अब 1 अपॉन 5 टू द पावर 3 बच जाएगा। तो सिंपल है क्या आपके पास सॉल्यूशन? x पावर m अपॉन x पावर n, अगर m और n दोनों पावर सेम है तो आंसर 1 आ जाएगा। यानी एग्जांपल मैं कहूं 5 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 3, तो सेम वैल्यू है, कैंसिल होके 1 आ गया, लेकिन m बड़ा है तो 5 की एक्स की पावर एम माइनस एन आ जाएगा, और एम छोटा है तो वन अपॉन एक्स की पावर, बड़े में से छोटा हमेशा बड़े में से छोटा होगा। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो एक्स ऊपर ही लिखेंगे, नीचे वाला बड़ा है तो एक्स नीचे लिखेंगे,
ये ध्यान रखना, क्वेश्चन करोगे तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल आपके पास है नहीं ये। तो नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन, 4 पावर 6, 4 पावर 4, तो 6 माइनस 4 2, आंसर आ जाएगा 4 पावर 2। -2 to the power 7, -2 to the power 12, मैंने बताया था कौन सा बड़ा है, नीचे वाला बड़ा, तो नीचे ही लिखेंगे 12 माइनस 7, तो 1 upon -2 12 माइनस 7 यानी 5। -2 to the power 5 माइनस है, पावर ओड है तो माइनस रहेगा। 2 to the power 5 क्या होता है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो -1 upon 32 आपका आंसर आ गया। अब इसे मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ, -3/4 to the power 4 डिवाइड बाय -3/4 to the power 2। -3/4 to the power 4 अब डिवाइड है तो पावर क्या होंगी, बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएंगी 4 माइनस 2, यानी -3/4 power 2। पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई, -3/4 multiply -3/4, -+, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9/16 आपके पास आंसर आ जाता है, 9/16। फोर्थ है 4 power 6 डिवाइड 4 power 8, यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है, तो ये सॉल्यूशन इसका गलत है, यहीं पे ध्यान देना। तो ये हो जाएगा, आप देखो 4 power 6 - 8 यानी 4 power -2, अगर पावर में माइनस है तो हम इसे लिखते 1 upon 4 power 2 यानी 1 upon 4 into 4 यानी 1 upon 16। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 4 power 6 डिवाइड यानी अपॉन में 4 power 8, नीचे वाली पावर बड़ी है तो हम 1 upon 4 नीचे बड़े में से छोटी पावर माइनस कर देंगे, 1 upon 4 power 2 यानी 1 upon 4 into 4 यानी 1 upon 16 आपका आंसर। क्लियर है? इसी तरह से नीचे वाले क्वेश्चन करने हैं, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। 3/4 है सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर माइनस हो जाएंगी, 17 - 4 = 13, 3/4 power 13। ऐसे ही नेक्स्ट है, ये भी 4/5 है, ये भी 4/5 है, डिवाइड हो रहा है तो पावर फिर माइनस हो जाएंगी। मैंने बताया जब बाद वाली पावर बड़ी है तो 1 upon आ जाएगा, 1 upon 4 upon 5, 37 बड़ी में से छोटा, 37 - 23, तो 4 upon 5 power 14, तो 1 divide by, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर वाले को पलट देते हैं 5/4, तो 5/4 power 14 हो जाएगा आंसर। ये ध्यान रखना है, यहाँ के स्टेप 1 upon फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 5 ऊपर और 4 नीचे, पहले हम कर चुके हैं, अगर डिवाइड है तो बाद वाला नंबर जो है P/Q की फॉर्म में है, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, पावर सेम रहेगी 14 14 14। फाइंडिंग द पावर ऑफ क्वोशेंट, 2/5 है, पावर 3 है, तो ऊपर 2 power 3, 5 power 3, ये अलग अलग हो जाएगा, -7/4, 5 power 4, तो अलग अलग हो जाएगा, -7/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ब्रैकेट में जो भी है वो पावर सब पे लगेगी, x/y है, पावर 9 है, तो ये n जो है x पे भी लगेगी और y पे भी लगेगी। इसमें कुछ ध्यान से रूल है, 1/9 upon a power 9, तो डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी, 9 - 9 = 0, 1/0, और ये कैंसिल होके 1 भी होता है, तो इन दोनों से क्या समझ में आया, 1 की पावर 0 1 है, किसी की वैल्यू x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर 1 होगा, ये एक फॉर्मूला है, रूल है, इसे याद रखना, कोई भी नंबर हुआ अगर पावर में 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखो इसी चीज को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन करते हैं, 4 power 0, मैंने कहा किसी की पावर 0 तो आंसर 1, 3 power 8 - 8, 8 - 8 यानी 0, 3 power 0 यानी इसका आंसर भी 1, 3 power 0 1, 4 power 0 1, 5 power 0 1, 1 + 1 + 1 = 3, तो थर्ड वाले का आंसर 3, 9 power 0 - 7 power 0 यानी 1 - 1 0, (16, 0 × 16, 0) ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पेपर में जरूर आते हैं। सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा देता हूँ, क्वेश्चन है आपके पास
माइनस टू अपॉन थ्री पावर थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू अपॉन थ्री, पावर कुछ नहीं है। फिर डिवाइड करेंगे, फोर अपॉन नाइन पावर टू है। एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ पावर ऑफ टू, रिजल्ट को पावर के फॉर्म में भी आपको लिखना है। तो देखो माइनस टू अपॉन थ्री कितने टाइम है, थ्री टाइम है, तो थ्री टाइम लिख लो, माइनस टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू अपॉन थ्री। फिर ये माइनस टू अपॉन थ्री एक और है, डिवाइड बाय फोर अपॉन नाइन स्क्वायर। तो इन्हें सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ऊपर तो प्लस हो गया, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन थ्री, थ्री जा नाइन, ट्वेंटी सेवन, एट्टी वन मल्टीप्लाई नाइन अपॉन फोर, इसे रेसिप्रोक डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, इसे रेसिप्रोकल करेंगे, स्क्वायर हो गया, सिक्सटीन अपॉन एट्टी वन मल्टीप्लाई नाइन स्क्वायर, यानी नाइन इंटू नाइन, फोर स्क्वायर, फोर इंटू फोर, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे लगेगा, कैंसिल हो जाएगा, नाइन नाइन जा एटीन, वन से एट्टी वन, फोर फोर जा सिक्सटीन, से सिक्सटीन, वन बचता है। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि टू की पावर के में लिखना है, टू पावर ऑफ टू, तो वन को टू की पावर में अगर हमें शो करना है तो क्या लिख देंगे, टू पावर जीरो, क्योंकि टू पावर जीरो भी क्या होता है, वन होता है। इसी क्वेश्चन को जैसे माइनस टू अपॉन थ्री पावर थ्री था मल्टीप्लाई माइनस टू अपॉन थ्री पावर वन था, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सेम बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर, तो माइनस टू अपॉन थ्री पावर हो जाएगा फोर। फिर डिवाइड का साइन था, फोर अपॉन नाइन स्क्वायर था, तो डिवाइड यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नाइन अपॉन फोर स्क्वायर हो जाएगा, यहीं पे इन्हें ओपन कर दो, तो माइनस टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई 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 नाइन इंटू नाइन अपॉन फोर इंटू फोर, माइनस माइनस प्लस, टू टू जा फोर, तो इन दोनों से एक फोर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, टू टू जा फोर, इनसे एक फोर और कैंसिल, थ्री थ्री जा नाइन, तो एक नाइन कैंसिल, थ्री थ्री जा नाइन, तो एक नाइन कैंसिल, बचता है क्या, वन, और वन को टू की पावर में लिखना है तो टू टू द पावर जीरो आपका आंसर है। मैंने दो मेथड से करा दिया, दोनों ही आसान है, किसी से भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, देखना, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस थ्री पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस टू फोर्टी थ्री, इसे सोल्व करते हैं। देखना बेटा, हमारे पास लिखा है माइनस थ्री ब्रैकेट में पावर एक्स माइनस वन, इधर 243 है, तो आपको पता होना चाहिए 243 माइनस थ्री पावर फाइव आएगा, माइनस थ्री पावर फाइव होता है 243, कैसे, थ्री इंटू थ्री नाइन, इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन, फिर एक और थ्री एटी वन, फिर एक और थ्री से करेंगे तो 243, यानी थ्री को पांच टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 243, माइनस माइनस अंदर ले लिया। अब दोनों बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का निशान है, देयरफॉर बेस सेम हो बीच में इक्वल टू तो पावर भी सेम होंगी, एक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव, एक्स की वैल्यू निकालनी, माइनस वन उधर जाकर ऐड हो जाएगा, फाइव प्लस वन एक्स इज इक्वल टू सिक्स आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखो, फोर अपॉन एट पावर एट है मल्टीप्लाई फोर अपॉन फाइव पावर एट है, फोर अपॉन फाइव पावर सेवन है, तो फोर अपॉन फाइव बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4 अपॉन 5 पावर 8 प्लस में 7 हो जाएगा इक्वल टू, यहां भी 4 अपॉन 5 पावर 2x प्लस में 1 है, तो 8 प्लस 7 15, देयरफॉर 15 इक्वल टू 2x प्लस में 1, 1 इधर आ जाएगा, 15 माइनस 1 इक्वल टू 2x, 14 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू निकालने, 2 इधर आके डिवाइड, 14 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x, 7 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 7 आपका आंसर। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई है बीच में, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 7 प्लस 8 15, इधर भी बेस सेम है इक्वल टू के, इधर भी 4 बाय 5 इधर भी 4 बाय 5, तो पावर इक्वल हो जाएंगी, यानी 15 इक्वल टू 2x प्लस 1। इसके बाद तो सिंप्लीफाई करना, 1 को इधर लाके माइनस कर देना 14, 2 को लाके डिवाइड कर देना 7। थर्ड, 7 पावर 6 डिवाइड बाय 7 पावर 4 माइनस m इक्वल टू 7 पावर 8, डिवाइड है यानी पावर माइनस हो जाएंगी, तो 7 पावर में 6 माइनस 4 माइनस m, 4 माइनस m ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको, वरना माइनस प्लस के साइन गलत हो जाएंगे, इक्वल टू 7 पावर 8,
तो 7 पावर 6 -4 ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस में m इक्वल टू 7 पावर 8। 6 -4 2, 7 पावर 2 प्लस m इक्वल टू 7 पावर 8। बेस सेम है, 7 और 7 इक्वल टू, तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, 2 प्लस में m इक्वल टू 8, पावर इक्वल होगी। m की वैल्यू निकालनी है, 2 उधर जाके माइनस, तो 8 - 2 m इक्वल टू 6 आपका आंसर है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4963 है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंट्स यूज करके। एक्सपेंडेड फॉर्म में तो तुम्हें लिखना आता है 4000 प्लस 900 प्लस 60 प्लस 3, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे, 4000 को 4 × 1000 लिख देंगे, 900 प्लस का साइन, 900 को 9 × 100, 60 को 6 × 10 और 3 को 3 × 1, तो 4 × 1000 को लिखेंगे, 10 × 10 × 10, 100 को 10 × 10, 10 एक ही बार और ये 1, तो 4 × 10 की पावर 3 है, प्लस में 9 × 10 स्क्वायर है, प्लस में 6 × 10 पावर 1 है, प्लस में 3 × हम यहाँ 1 की जगह लिख सकते हैं 10 पावर 0, 10 पावर 0, अगर सिर्फ 10 की नोटेशन में लिखना है, अदरवाइज 3 × 1 लिख सकते हैं, सिर्फ 3 छोड़ सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट 3 × 10 पावर 0, क्योंकि 10 पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, सिंप्लीफाइड 2 to the power 5, 3 to the power 4 16 अपॉन 3 to the power 2 × 64। तो 2 to the power 5 एज इट इज, 3 to the power 4 एज इट इज, 16 होता है 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 4 टाइम यानी 2 to the power 4, एज इज 3 power 2, 64 होता है 2 power 6। अब यहां 4 है, 5 है, यहां 4 है, मल्टीप्लाई है तो ऊपर हो जाएगा 2 5 + 4 3 4 एज इट इज, नीचे एज इट इज 2 power 9 × 3 power 4, 2 power 6 3 power 2। अब ऊपर 9 है नीचे 6 है, बेस 2 ही है तो 2 power 9 - 6, और ऊपर 4 है नीचे 2 है तो 3 power 4 - 2, 9 - 6 3, 2 power 3, मल्टीप्लाई 3 power 2, 2 × 2 × 2 8, 3 square 9, 8 × 9 72 आपके पास आंसर आ गया। ऐसी सेम नेक्स्ट है 3 power 8 एज इट इज, 8 power 6, 9 power 3, 8 power 3। तो एक तो मेथड ये है जो इन्होंने किया हुआ, 3 power 8 मल्टीप्लाई 8 power 6 अपॉन 9 होता है 3 square, 9 की जगह 3 square, ऊपर पावर 3 है यहां भी लगा दी, तो पावर की भी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 × 2 = 6, तो नीचे होगी 3 की पावर 6, ऊपर 8 है नीचे 6 है तो माइनस हो जाएगा 8 - 6, यहां 6 है यहां 3 है माइनस हो जाएगा, तो 3 square × 3, 3 square होता 9। एक और मेथड क्या है इन्हें करने का, दूसरे मेथड में आप इन्हें सिंपली सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 को 5 टाइम लिखा, 3 को 4 टाइम लिखा 16, 3 को 2 टाइम 64 और ऊपर नीचे सबको कैंसिल आउट कर दिया है। बेसिक स्मार्ट मेथड यही है जो इसमें किया हुआ है। इसके बाद ये एक्सरसाइज दिखा रहा हूं, वीडियो पॉज करके तुम्हें ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ 14, 15, 16 and 17 क्वेश्चन तक आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये 5B के आंसर है बेटा, करने के बाद आंसर मैच कर लो। ये 5th क्वेश्चन तक, और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन तक के आंसर है, ठीक है।